बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। ये खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से इस वक्त हमारे पास है। पुलिस ने वहां पर आतंकी साजिश नाकाम कर दी है। एक घर और गाड़ी को पुलिस ने वहां पर कुर्क किया है। घर में आतंकियों को शरण देने का आरोप है। गाड़ी से हथियार ले जाने का भी आरोप है। एक आतंकी साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में नाकाम किया है। इस घर के लोगों पर आतंकियों को शरण देने का आरोप है और इसीलिए एक घर और गाड़ी को वहां पर कुर्क किया है पुलिस ने। इस घर में आतंकियों को शरण देने का आरोप है। जो गाड़ी कुर्क की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस गाड़ी से हथियार ले जाने का आरोप भी है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त जम्मू कश्मीर के बारामूला से। एक बड़ी कार्रवाई वहां पर पुलिस की। एक घर और गाड़ी को कुर्क किया इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने और एक आतंकी साजिश को भी नाकाम किया है। आरोप है इस घर के लोगों पर जिसे कुर्क किया है पुलिस ने कि इस घर के लोगों ने इस घर में आतंकियों को शरण दी थी। इस गाड़ी से हथियार ले जाए गए थे। घर जिसको कुर्क किया है पुलिस ने वो घर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वो ज्यादा डिटेल्स देंगे हमें पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में। आसिफ देखिए, ये दोनों कार्रवाइयां दो अलग अलग मामलों में हुई हैं, जिसमें जो स्विफ्ट गाड़ी है वो बारामूला के उरी से पकड़ी गई थी उस समय जब उसमें से अवैध हथियार मिले थे, इसीलिए पुलिस ने उसको एक आतंकी घटना का साथ मांगते हुए उसको सीज किया है। जबकि वानीगाम पाइन जो कि क्रीरी इलाके में पड़ता है बारामूला के, यहाँ पे फारूक अहमद नाम के एक व्यक्ति पर यह आरोप था कि वो मिलिटेंट्स के लिए OGW के तौर पर काम करता था। कुछ महीने पहले उसकी गिरफ्तारी हुई थी और अब उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस घर को भी कुर्क कर लिया है जहां पे एक हाइड आउट बना था जिसमें मिलिटेंट्स रहा करते थे। इसीलिए दोनों कार्रवाइयां एक साथ की गई हैं और पुलिस का ये कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा जिनको प्रोसीड्स ऑफ टेरर फाइनेंसिंग यानी जो आतंकियों के लिए मददगार के तौर पर काम करते हैं या उनकी फाइनेंसिंग के काम करते हैं, तो उन सभी प्रॉपर्टीज और उनके साथ जुड़े हुए सभी वाहनों को भी सीज करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पिछले साल भी बड़ी मात्रा में इस तरीके से घर कुर्क किए गए, तकरीबन 113 प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, आपने डिटेल्स में बताया कि क्या जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन है। ABP News आपको रखे आगे।